वेलकम दोस्तों, कानून का ज्ञान विद एसके यूट्यूब चैनल। दोस्तों, दिल्ली में खाकी वर्दी को लेकर बड़ी कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि खाकी वर्दी ही जो दीवी है वो दिल्ली पुलिस की भी है और दूसरा जो दिल्ली सिविल डिफेंस के वॉलंटियर हैं उन्हें भी खाकी वर्दी दी गई। अब ऐसे में बहुत से केसेस सामने आए हैं जिसमें जो दिल्ली सिविल डिफेंस वाले जो वॉलंटियर हैं उन्होंने मास्क के ऊपर पैनलाइज भी किया है पब्लिक को और लोगों के चालान भी काटने की कोशिश करी है उनके व्हीकल्स रोककर। अब ऐसे में दोस्तों, क्या उन्हें पावर है ये सब करने की? तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उन्हें पावर है तो कितनी पावर है, क्या वो कर सकते हैं और क्या मास्क का चालान वो कर सकते हैं किसी भी आम आदमी का या नहीं कर सकते हैं। तो चलिए एक बार नज़र डाल लेते हैं आज के कंटेंट पर। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, जो दिल्ली सिविल डिफेंस के वॉलंटियर हैं जिनकी वर्दी पर DCD लिखा होता है, आप उन्हें बिल्कुल भी पुलिस वाले ना समझें, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सिविल डिफेंस के ही हैं और वो पुलिस के अंडर में भी नहीं आते हैं। वो आते हैं जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, जिन्हें DM कहा जाता है, उनके अंडर में वो आते हैं। अब दूसरी चीज़ इस पर मैं आपको बताऊं कि जो दिल्ली सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर हैं ये कमांड किए जाते हैं दोस्तों, एक डिविजनल कमिश्नर इनके बने हुए होते हैं, उनके थ्रू ये कमांड किए जाते हैं, सारा कमांड उनके हाथ में होता है जो इनके डिविजनल कमिश्नर होते हैं। तो ये समझ लें कि जो दिल्ली सिविल डिफेंस है ये दिल्ली पुलिस के अंडर में नहीं आती है, ना इन्हें दिल्ली पुलिस गवर्न करती है। अब बात कर लेते हैं रिपोर्टिंग की। दोस्तों, जैसे दिल्ली पुलिस को जो रिपोर्टिंग है उनके आला अधिकारी को उन्हें रिपोर्ट करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई भी थाना है वो अंडर में आता है, जो भी ज्यूरिडिक्शनल ACP ऑफिस होता है उसके अंडर में है कमिश्नर ऑफिस के। लेकिन ये जो रिपोर्टिंग करेंगे ये करेंगे सिर्फ और सिर्फ DM ऑफिस को, इनका पुलिस विभाग से कोई मतलब नहीं है दिल्ली सिविल डिफेंस वाले। दोस्तों, दिल्ली पुलिस जो है वो गवर्न की जाती है दिल्ली पुलिस एक्ट के माध्यम से, लेकिन जो ये सिविल डिफेंस वाले हैं ये गवर्न किए जाते हैं, इनका एक्ट है सिविल डिफेंस एक्ट 1968, जो कि अमेंडेड होकर 2010 में जिसमें अमेंडमेंट हो गया था। तो इसलिए ये एक्ट भी इनका दिल्ली पुलिस एक्ट के अंडर में ये नहीं आते हैं, तो इसलिए ये दिल्ली पुलिस के जो विभाग हैं उसके अंडर में नहीं आएंगे, इनका विभाग ही अलग हो जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मेन चीज़, पेनलाइज कर सकते हैं किसी को मास्क के ऊपर या किसी को रोक सकते हैं किसी व्हीकल को। तो दोस्तों, इसमें दिल्ली पुलिस का सर्कुलर ऑलरेडी एक जारी हो चुका है पहले, कि जो ये दिल्ली सिविल डिफेंस वाले हैं ना तो ये किसी को मास्क के ऊपर पेनलाइज कर सकते हैं और ना ही ये दिल्ली पुलिस की जो बैरिकेडिंग है उन्हें यूज़ कर सकते हैं ट्रैफिक को रोकने के लिए या किसी की चेकिंग करने के लिए, क्योंकि आपको भी पता होगा दोस्तों जो चेकिंग का अधिकार है वो भी सिर्फ और सिर्फ पुलिस को दिया गया है, उसमें भी अगर 2-स्टार मौजूद नहीं है तो उसमें कोई चालान नहीं कर सकता है। तो इसलिए जो दिल्ली सिविल डिफेंस वाला अगर आपको कोई रोक कर चालान काटता है, आपसे पैसे हड़पने की कोशिश करता है, तो उसे बिल्कुल भी ना दें। और अगर आपका व्हीकल वो रोक कर आपके साथ में कुछ दुर्व्यवहार करते हैं तो तुरंत आप 100 नंबर पर कॉल कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें कोई अधिकार नहीं है आपका व्हीकल रोकने का या आपका चालान करने। अब बात कर लेते हैं, जब इन्हें ये पावर्स नहीं है जो पुलिस को दी गई हैं तो क्या इनका रोल है? दोस्तों, जो रोल है दिल्ली सिविल डिफेंस के वॉलंटियर का, वो इनका एक तो ये रोल है कि DTC बसेज में ऐसा मार्शल तैनात किए गए हैं पब्लिक की हेल्प करने के लिए, जो भी महिलाएं हैं उनकी हेल्प करने के लिए। दूसरी चीज़, इनकी जो ड्यूटी है वहाँ पर भी लगा दी जाती है, जो DM ऑफिस वगैरह से असाइन होकर, जहाँ पर जैसे कि कहीं वैक्सीनेशन कैंप वगैरह चल रहे हो तो वहाँ पर ये लाइन वगैरह लगवाने के लिए या पब्लिक की हेल्प करने के लिए ये वहाँ पर लगा दिए जाते हैं। दे कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ कॉन्स्टेबल ऑफ अ दिल्ली पुलिस। तो दोस्तों, याद रखिएगा कि जो दिल्ली सिविल डिफेंस की जो वॉलंटियर्स हैं इनके पास में वो पावर्स नहीं हैं जो पुलिस के पास में पावर्स दी गई है। तो दोस्तों, वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि जो हमारी जनता है, जो भोली भाली जनता है, उसका कोई पागल ना बना पाए, अपनी पावर का मिसयूज ना कर पाए, जो उसका काम है वो वही करे। क्योंकि दोस्तों, ऐसा बहुत सी बार देखा गया है कि जो लोग बाहर स्टेट से आते हैं, UP वगैरह से आते हैं, बिहार वगैरह से आते हैं, उनसे खाकी वर्दी का रौब दिखाकर उनसे मास्क के ऊपर पैसे ऐंठ लिए जाते हैं, तो ऐसा किसी के साथ में ना हो। तो दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को तो लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों जो नीचे रेड बटन आ रहा है उसे रेड बटन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिलता रहे। थैंक यू।